कोका से जुडवानी जाने वाले मार्ग पर स्थित माइलस्टोन स्कूल, जहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अलावा फील्ड में बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से विभिन्न कंपनियों सहित अन्य उत्पादक क्षेत्रों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाता है। इसी के तहत शनिवार को माइलस्टोन के विद्यार्थियों को भिलाई की प्रतिष्ठित फर्म जगदम्बा फर्निशिंग के कार्यों को साक्षात देखने व समझने का अवसर मिला, जहाँ विद्यार्थियों ने कार्य क्षेत्र में जाकर निर्माण संबंधित जानकारियां हासिल की, वहीं विक्रय प्रतिष्ठान में पहुंचकर सामग्रियों की खरीदी बिक्री का अनुभव भी प्राप्त किया। जुनवानी रोड स्थित माइलस्टोन स्कूल के कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों को जगदम्बा फर्निशिंग, जो कि जवाहर मार्केट में स्थित है, उसका भ्रमण कराया गया। तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा नया एक्सपीरियंस कराने के उद्देश्य से, साथ ही उन्हें बौद्धिक ज्ञान व साक्षात अनुभव कराने के उद्देश्य से छावनी स्थित जगदम्बा इंडस्ट्रीज का भ्रमण कराया। विद्यार्थियों ने देखा कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, साथ ही रिटेल सोर्स का भी अनुभव जाना। जगदम्बा इंडस्ट्रीज के द्वारा न्यूज टीम को जानकारी दी गई, तो वहीं माइलस्टोन प्रबंधन ने उद्देश्य बताया। आज माइलस्टोन के 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर विजिट के लिए आए थे, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो सके कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, रिटेल स्टोर्स कैसे होता है, होलसेल कैसा होता है चीज़ों का। तो पहले उन्होंने हमारी रिटेल आउटलेट विजिट की, जगदम्बा फर्निशिंग पावर हाउस जनता मार्केट में जो है भिलाई में। फिर उसके बाद वो हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, जहाँ पे फोम पिलोज मैट्रेसेस मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ उन्होंने विजिट किया। उन्होंने देखा कि कैसा बनता है, कैसे चीज़ें बनती है, कैसे उनका बेल्ट रहता है, कैसा पूरा सर्कुलेशन रहता है। और इसी के साथ साथ मैं ममता शुक्ला मैम का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो बच्चों को फील्ड विजिट करवा सके। एंड ये सब देखने के दौरान जो स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछे, जो सवाल किए हमसे, वो बहुत ही अच्छे थे और अनएक्सपेक्टेड थे, कि वो स्टूडेंट्स को भी इतना इंटरेस्ट रहा था, उन्होंने वो क्वेश्चंस कर पाए। एंड हमने भी उस चीज़ को बहुत अच्छी से लिया, और वो इतने स्टूडेंट्स इतने वेल बिहेव वेल मैनर्ड थे कि हमारे लिए भी डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं रही उनको समझाने के लिए, मैनेज करने के लिए। एंड वेरी थैंक्स टू ममता शुक्ला मैम कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें। बहुत उत्साह देखने को मिला, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे उससे ज़्यादा एक्साइटेड थे ये विजिट के लिए, ताकि उनको चीज़ें नई लगी, उनको चीज़ें और अच्छी लगी, सीखने के लिए मिली। जो वो थोड़ा बहुत जानते थे, जो स्कूल के थ्रू उनको नॉलेज थी, वो उनको जब रियल लाइफ में देखने के लिए मिली, तो उनको नॉलेज का एक्चुअल क्या फील्ड पे होती है, चीज़ें कैसी होती है, वो देखने के लिए मिला। तो उसके कारण बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। ठीक है, उद्देश्य ये है कि ये फ्यूचर है बच्चे, जो ब्राइट स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं, जैसा माइलस्टोन का टैग है, तो ये सब शाइनिंग स्टार्स हैं, यही फ्यूचर हैं आगे के लिए। और यही लोग जब ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे उनका सेलिंग होती है, बाइंग होती है, सब ये सब जब वो बनते हुए देखेंगे, तब उनका माइंड जो है थोड़ा और ब्रॉड होगा, वो और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। और उनके लिए एक तरह से मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ के प्लेटफॉर्म है, वो जितना ज़्यादा ऐसे ऐसे फील्ड विजिट्स करेंगे, अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, विजिट करेंगे, तब उनको और अच्छी से चीज़ें समझ में आएगी आगे फ्यूचर में उनको किस फील्ड में ऑप्ट करना है, क्या सेगमेंट जाना है। जब वो जितनी ज़्यादा फील्ड्स विजिट करेंगे, उतना ज़्यादा उनका थिंकिंग जो है ब्रॉड होगी, और वो और अच्छी से चीज़ें समझ पाएंगे। और ही मैं साथ साथ में बेक बेट्स नेहरू नगर भिलाई का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जिसकी प्रोप्राइटर ओनर मिस निकिता शर्मा है, जो बहुत ही अच्छे से इन बच्चों के लिए हमें हेल्प किया है। उन्होंने कपकेक्स बना के दिए जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस थे, तो इसलिए मैं उनका भी थैंक यू कहना चाहूँगा। तो वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने यहाँ मिले नए एक्सपीरियंस को हमसे साझा किया। I'll just talk about the overall experience. बहुत ओवरवेलमिंग था, न्यू एक्सपीरियंस हमको मिले सीखने, इतने मतलब हम इसको इतना कॉमन सोचते थे, पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें इससे मिलकर बनती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से। द पीपल हियर वाज टू नाइस, उन्होंने कंसर्न किया हमारी सेफ्टी पे भी, कि ये केमिकल्स हमें हार्म ना करें। एंड आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स, द वे दे शोड अस एवरी ईच एंड एवरी प्रोसेस वॉज सुपर्ब। आई लाइक द एक्सपीरियंस हियर। आई विल रियली लाइक टू थैंक यू माई प्रिंसिपल, हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, हमें एजुकेशनल के साथ फन वे में इसको बताने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, इनफैक्ट आई लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट द मैन्युफैक्चराइजेशन ऑफ फोम एंड हाउ इट्स मेड। तो इस प्रोसेस में मैंने सीखा कि कैटलिस्ट होता है जो फोम में यूज होता है, बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं, एंड उन केमिकल्स को एक क्यूबॉइड शेप के
एक मोल्ड में डाला जाता है और उसको मिक्स करते हैं, तो फिर उसे रिलीज करते हैं, तो जैसे ही रिलीज करते हैं उसमें फोम्स बनने लगते हैं और फिर वो राइज होने लगता है जैसे केक। तो आज सर ने हमें केक का एग्जांपल देके बताया कि फोम कैसे बनता है और फिर वो राइज होते जाता है जस्ट एग्जैक्टली लाइक अ केक, एंड देन उसके अंदर जो फोम्स क्रिएट होते हैं वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होते हैं, बबल्स बन जाते हैं, फिर वो सॉलिड होने के बाद फोम बन जाते हैं। उसकी एक आउटर लेयर होती है जो हार्ड होती है, लेकिन बाद में उसे वो और फर्दर प्रोसेस के थ्रू जाता है और फिर उसे कट किया जाता है। कट करने के बाद जो अंदर का मटेरियल होता है वो फोम होता है और उसे यूज करते हैं पिलोज में, मैट्रेसेस में, बहुत सारी चीजों में। बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु माइलस्टोन स्कूल का ये प्रयास काफी सराहनीय पहल है। वहीं जगदम्बा फर्निशिंग के संचालक ने जो शैक्षणिक भ्रमण में आए विद्यार्थियों को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान की बारीकियों से अवगत कराया, ये भी विद्यार्थियों के लिए आने वाले जीवन में काफी लाभकारी साबित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।